गर्मी का दिन शुरू होते ही गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर एक बड़ी समस्या आती है और वो समस्या है पानी की। जल स्तर नीचे चले जाने से हर गांव का हैंडपंप, बोरवेल्स में पानी का स्तर कम हो जाता है। पानी बहुत कम निकलते हैं या नहीं निकलते, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उसको ध्यान में रख करके शासन द्वारा आजकल गांव-गांव में पानी टंकी बनवाई जा रही है, किंतु बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव है बिलाईगढ़ से लगी हुई गोविंदबंद, जहां पे पिछले 8 वर्षों से बना पानी टंकी अभी तक चालू नहीं हो सकी है। पूर्व सरपंच बैजू सोनानी के कार्यकाल के समय में बनाई गई ये पानी टंकी अपने उद्घाटन की राह पिछले 8 वर्षों से देख रही है, किंतु जल संसाधन विभाग का अभी तक इस पर ध्यान नहीं गया है। वहीं गांववासी या स्थानीय प्रशासन की ओर से भी इस पर कोई मांग नहीं उठ रही है, जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान इस पर नहीं है, जिसके कारण से लोगों को ये बड़ी बड़ी सुविधा मिलने से लोग वंचित रह जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।